लगातार वोटों की अपील की जा रही है। राकेश शर्मा है जो कि संदीप शर्मा के पिता है, बातचीत करेंगे। चुनाव कार्यालय का शुभारंभ किया जा रहा है। सर, आज चुनाव कार्यालय का शुभारंभ किया जा रहा है, किस तरह की तैयारियां हैं चुनाव को लेकर? फुल फ्लैट है बेटे, पूरे जोर शोर नाल तैयारियां थोड़े सामने चल रही ने, और बड़ा जोश है वार्ड वासियों के, शहर वासियों के। जे जे पी के प्रवीण सोनी जी को चेयरमैन बनाएंगे, बीजेपी और जे जे पी के जो गठजोड़ होया हैगा इन्हां सारे नूं एम सी बनाएंगे जी। लोगों बहुत उत्साह है। चुनाव कार्यालय का शुभारंभ किया जा रहा है, क्या कोई लीडर भी यहाँ पहुँचकर चुनाव कार्यालय का रिबन काटेगा? बेटे सच दसा, साडे वास्ते तुसीं अजय सिंह हो, तुसीं नैना सिंह हो, साडे वास्ते साडे जिहड़े वेखण दी अख है ना। पहली बाटी मस्ताना जी महाराज क्या करते, जरे जरे विच झांकी जिंदा राम दी, कोई सूझ वाली अख पहचान दी। ये परमात्मा दे जरे जरे विच रमिया होया है, हर शह दे विचों उस मालक की ताकत कम करती है। चाहे साढ़े बराड़ साहब फीता कट्टन, चाहे साढ़े सरवण अंकल जी फीता कट्टन, चाहे आप कट्टो। चुनावी माहौल लगातार है जो कि गर्मा रहा है। अलग अलग प्रत्याशियों के चुनाव कार्यालय का शुभारंभ हो रहा है। ठीक उसी तरह वार्ड नंबर 17 से मैदान में है जेजेपी पार्टी के संदीप शर्मा। आज उनके चुनाव कार्यालय की तस्वीरें आपको दिखाई, बाकायदा उनके जो पिताजी है समाज सेवी राकेश शर्मा उनसे बात करवाई कि चुनाव को लेकर जोरों शोरों से तैयारियां हैं जो कि जारी है, और आज चुनाव कार्यालय का शुभारंभ भी किया जा रहा है। ढाबाली मंडी में हम चेयरमैन चाहते हैं कि विकास हो मंडी का। पहले जो चेयरमैन थे कोई विकास नहीं करवाया उन्होंने, कोई चेयरमैन नहीं बनने दिया, कभी पार्षद इधर हो जाता, कभी कोई इधर हो जाता, अच्छा चेयरमैन हमको नहीं मिला। इस बार हम अपना अच्छा चेहरा चेयरमैन का ढाबाली में लाएंगे, और जो हमारे चहिता चेहरा है इस बार, जो पार्टी काम करवा सकती है वो है जेजेपी प्लस भाजपा गठबंधन। तो क्या चेहरे का इफेक्ट रहेगा विकास कार्यों में, या फिर सरकार जिस तरह सेंटर और स्टेट में जो सरकार है बीजेपी की है, तो उसके आधार पर वोट दिए जाएंगे या फिर चेहरे के आधार पर वोट दिए जाएंगे? सरकार के तौर पर भी वोट दिया जाएगा और चेहरे पर भी वोट दिया जाएगा। तो क्या लगता है जो चेहरा मैदान में है वो अपने वादों पर खरा उतरेंगे और मंडी का विकास होगा? हाँ जी, वो प्रवीण सोनी जी हैं, वो अपने खरे उतरेंगे और शहर का विकास करवाएंगे।